हेलो, मेरा नाम है हेमंत और आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी अनुवाचन। अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी की तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों ही प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान ये भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाह कारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन अन्न दान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्योग न करने वाला हो, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम के जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता शांत भाव भगवत चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार मान पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ पर राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित तथा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार से कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही मरने के बाद। तो यहां पर यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। अगर आपको यह ऑडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।